ज़िले का प्रशासन कैसा हो, और जम्मू कश्मीर को भी उसमें जोड़ दिया गया। अब हम एक हमारा दूसरा कार्यक्रम लिया प्रशासन गाँव की ओर, तो जैसा आप कह रहे हैं धीरे धीरे नीचे तक जा रहे हैं। स्वामित्व प्रोग्राम है हमारा, जिसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी पंचायतों का निशानदही कर दी गई है। उसमें आबादी वाली पंचायतें देश में लगभग 3,75,000 हैं, 2 लाख मुकम्मल हो जाएंगी इस महीने के अंत तक, और उसका हम विमोचन कर देंगे, कोशिश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो। और उससे आपको घर बैठे बैठे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति किसान, उसको किसी पटवारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको बड़ी सुविधा हो जाएगी सीधा सीधा उसको। और इसी प्रकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी एक की कल्पना मोदी जी ने दी थी, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जो 41 मापदंड बना लिए गए, हेल्थ एजुकेशन सैनिटेशन, किस मापदंड में कौन सा जिला पिछड़ा है, किस तरह से उसको ऊपर ला करके उस प्रदेश के नंबर एक जिले के मुकाबले या फिर देश के नंबर एक, तो एक बड़े वैज्ञानिक ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के जरिए भी अब उसको भी नीचे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का। और मुझे खुशी है जम्मू कश्मीर ने भी उसमें दिलचस्पी ली। कभी कोई भी इलेक्शन करा दीजिए, एक सवाल आपसे कि टेक्नोलॉजी में बढ़ता जा रहा है, अभी जो ई गवर्नेंस को लेकर जो कॉन्फ्रेंस हो रही, क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर जहाँ डिजिटल डिवाइड कहने नहीं चले, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी बढ़ आप ठीक कह रहे हैं। इसमें क्योंकि देश का ये हिस्सा थोड़ा बहुत इतना टेक्नोलॉजी से भी नहीं रहा, जिस प्रकार से कुछ एक प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर हमें आप जैसे मित्रों का सहयोग चाहिए जो भविष्य को भी समझते हैं, आने वाले विकल्पों को भी समझते हैं। ये जो स्टार्टअप्स का युग है, आज ही जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे बच्चों ने दो प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए, अभी एक सप्ताह पहले आपने देखे होंगे चित्र प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया, 2 साल पहले मोदी जी ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया और 100 से अधिक स्टार्टअप केवल स्पेस में हो गए। यहाँ पर हमारे पास हिमालय का बहुत बड़ा सरमाया है, एरोमेटिक्स का बहुत बड़ा सरमाया है, एग्रीटेक स्टार्टअप्स का बहुत, और उसमें टेक्नोलॉजी पूरी तरह से हम उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करने से लेकर के मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो बच्चे उसमें लग गए उनको अपनी रोजगार का एक बड़ा सम्मानजनक साधन भी उपलब्ध हुआ है। तो इसलिए अभी इस समाज को भी इसमें जोड़ना होगा, जैसे मैंने कहा होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ सोसाइटी प्लस होल ऑफ नेशन, उसका अर्थ यह है कि जो हमारे सरकारी नौकरी की जहनीयत है, जैसे गुजरात में देख लीजिए तो बहुत मुश्किल से कोई बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते हैं, उससे हमें निकालना होगा। उसके कुछ एक लेगेसी इश्यूज भी हैं, जैसे आपने ठीक कहा कि यहाँ पे का अभाव था, इस प्रकार का एक्सपोजर हो नहीं पाया, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद चूंकि एक मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का एक युग प्रारंभ हुआ है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे उस तरफ भी रुझान बनेगा।